Hi guys, welcome to MB's Man Cave. Yes, last day hai 2020 ka. And from tomorrow, we're going to have a brand new year, 2021 starting. I would like to wish you guys a very happy new year. And thank you so much for all the support, all the love that you guys have given me. Kya saal raha hai 2020? Sabki life ki script hi badal di. मुझे याद है लास्ट ईयर न्यू ईयर ईव पर मैं ऑस्ट्रेलिया में था, सिडनी के फायरवर्क्स देख रहा था न्यू ईयर के टाइम पर, और आज यहाँ बैठा हूँ अपने घर में. बट आई थिंक जो जर्नी रही है इस साल की, ऑफकोर्स काफ़ी नेगेटिव्स हैं, बट देर हैज़ बीन क्वाइट अ फ्यू थिंग्स, क्वाइट अ फ्यू पॉजिटिव्स जो हमें इस साल से मिले. एक साल का पीरियड काफ़ी बड़ा होता है अगर हम एक कंटेक्स्ट में देखें, बट एक सब्जेक्ट, एक चीज़ ने इस साल को से डोमिनेट किया है और वो है कोरोना वायरस, COVID-19, जिसकी वजह से हम सबकी लाइफ अफेक्ट हुई है, आपकी, मेरी, आपके जानने वालों की. एंड आई रियली होप कि आने वाले साल में ये जो वायरस है इसका अंत होगा, वैक्सीन आ जाएगी, इट विल बी सेफ फॉर अस टू गो आउट अगेन, टू मीट एवरीवन अगेन. एंड यस, जैसे ही चीज़ें नॉर्मल होती हैं इन 2021, आई प्रोमिस यू गाइज वी विल अरेंज अ मीटअप एज वेल. आई थिंक कुछ सालों के बाद जब मैं 2020 को याद करूँगा, सो फॉर मी द बिगेस्ट पॉजिटिव विल बी यू गाइज. आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया है इस चैनल को, आई थिंक दैट हैज़ बीन कम्प्लीटली माइंड ब्लोइंग. लास्ट ईयर आई थिंक आई वॉज एट अराउंड 15,000 to 20,000 सब्सक्राइबर्स, और आज we are going to cross 125,000 very soon. This has been an amazing journey, an amazing year, all because of you guys. Kafi funny saal raha hai because mera jo channel ka genre hai, that is alcohol, aur is saal mein ek aisa period tha 2-3 mahine ka jab logo ke paas peene ko alcohol bilkul bhi nahi thi, aur mujhe yaad hai ki us time par log mujhe comments karte the ki hum aapke videos dekh dekh ke guzara kar rahe hain. That was really a fascinating period. Fortunately, I was lucky enough कि मेरे पास इतना स्टॉक पड़ा था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना पाता लॉकडाउन में. दैट वॉज रियली एन अमेजिंग पीरियड. एंड इवन आफ्टर लॉकडाउन आप लोगों का जो सपोर्ट है वो बरकरार रहा इस चैनल के साथ. बट फिलहाल हम शुरू करते हैं आज की हमारी अवार्ड्स नाइट, MB's Man Cave Awards for 2020, जिसमें आप और मैं मिलके चुनेंगे इस साल की बेस्ट बियर, विस्की, रम, वोडका. एंड आई वुड लाइक टू थैंक द चैनल मेंबर्स जिन्होंने मुझे हेल्प करी है इस अवार्ड्स को प्रेजेंट करने के लिए. सम ऑफ द मेंबर्स आर द गेस्ट अनाउंसर्स फॉर द अवार्ड्स टुनाइट. तो चलिए शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट कैटेगरी से, द बेस्ट बजट विस्की ऑफ द ईयर. आई थिंक एक ऐसा साल रहा है जब लोगों के पास काफ़ी ऑप्शंस थे बजट विस्की के लिए, और काफ़ी लोगों ने बजट विस्की की तरफ मूव किया बिकॉज जो कोविड टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया था उसकी वजह से जो आप नॉर्मली विस्की पीते थे उससे एक स्टेप नीचे आ गए, और कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है. सो इट वाज अ ग्रेट ईयर फॉर बजट विस्कीज़, और काफ़ी बजट विस्कीज ऐसी आई है जिन्होंने आई थिंक काफ़ी अमेज किया है, मुझे अमेज किया है. आई रिव्यू क्वाइट अ फ्यू विस्कीज़ in this segment, and I will have to say that there are some really good options. और जितने भी categories हैं उसमें दो segments होंगे. One will be viewers choice कि आपने किसको सबसे ज़्यादा vote किया है, and then it will be my choice. So viewers choice best budget whiskey announce करने आ रहे हैं हमारे channel member महीर. Viewers choice for the favorite budget whiskey 2020 is Oaksmith Silver. Thank you so much Mahir. And agar main baat karu apni choice ki, to meri choice mein criteria hai ki main sirf unhi drinks ko select kar sakta hu jinka maine review kara hai aap logo ke samne, either in videos or in live streams, taki aap log jaake dekh sake uska full review. Agar main baat karu apni favorite budget whiskey ki, again I think bahut sare options the, बट समवेयर आई फील कि जो आप लोगों की चॉइस थी उससे मेरी चॉइस मैच करती है. आई फील दैट ओकस्मिथ सिल्वर इज द बेस्ट विस्की इन द प्राइस सेगमेंट. सो यस, माई चॉइस इज ऑल्सो ओकस्मिथ सिल्वर. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं बेस्ट
वॉडका, बेस्ट बजट वॉडका इन फैक्ट, विच इज द बेस्ट बजट वॉडका एज पर यू गाइज। अगेन बजट वॉडका में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप लोगों के पास हैं, एंड समवेयर मुझे लगा था कि शायद ये जो सिलेक्शन है काफ़ी ऑब्वियस होगा, बट समहाउ वो ऐसा नहीं था। जो आप लोगों ने डिसाइड करा, दैट वॉज अ सरप्राइजिंग एंट्री फॉर मी। आप लोगों की चॉइस थी स्मिरनॉफ ग्रीन एप्पल। जी हाँ, स्मिरनॉफ ग्रीन एप्पल, अ बिट सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे लगा था शायद मैजिक मोमेंट्स ग्रीन एप्पल आप लोगों की चॉइस होगी, बट नो, आप लोगों ने डिसाइड करा स्मिरनॉफ ग्रीन एप्पल। और अगर मैं अपनी बात करूँ, फॉर मी अगेन आई हैव गॉन फॉर स्मिरनॉफ, बट नॉट ग्रीन एप्पल, आई हैव गॉन फॉर स्मिरनॉफ एस्प्रेसो। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वॉडकास। अगर मैं बात करूँ बजट वॉडकास में, एंड आई लव द एस्प्रेसो फ्लेवर, आई लव मेकिंग कॉकटेल्स विद इट। अगर आपने ट्राई नहीं करी है तो डेफिनेटली ट्राई करना, और मैं भी कोशिश करूँगा कि स्मिरनॉफ ग्रीन एप्पल का रिव्यू जल्दी करूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं पी है, और मैं कोशिश करूँगा कि उसका कंपैरिजन भी करूँ मैजिक मोमेंट्स के साथ। उसके बाद बारी आती है फेवरेट लाइट बियर। कौन सी लाइट बियर इस साल रही सबकी फेवरेट? पहले बात करते हैं आप लोगों की, कौन सी लाइट बियर सबसे ज़्यादा पसंद आई आप लोगों को, और उसे अनाउंस करने के लिए आ रहे हैं हमारे चैनल मेंबर अपूर्व। Hi friends, this is Apoor and I am here to make the announcement for MB's Man Cave Viewers Choice Award for our favorite light beer, and the award goes to Corona Beer. Thank you Apoorv. इस साल तो हर जगह कोरोना कोरोना ही रहा है, तो I think it makes sense कि कोरोना को आप लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट भी दिए। I don't know कि सीरियस वोटिंग थी, क्या सच में आप लोगों को कोरोना इतनी पसंद है, या फिर 2020 की थीम ही कोरोना रही है तो उसी को वोट दे दिया। For me, अगेन आई लव बियर, और बहुत सारी लाइट बियर्स को ट्राई करा मैंने। इनफैक्ट मैंने ज़्यादातर, अगर मैं बात करूँ तो मैंने इस साल स्ट्रॉन्ग बियर ट्राई करी है, बट आई डू लव लाइट बियर, और बहुत सारी लाइट बियर मैंने रिव्यू करी, टेस्ट करी, बट देर वॉज वन लाइट बियर जिसे मैंने टेस्ट करा था इस साल के स्टार्टिंग में। आप लोगों के सामने लाइव स्ट्रीम भी मैंने करी थी जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, एंड देयर आई गॉट टू टेस्ट अ बियर विच आई एब्सोल्यूटली लव्ड। और उस बियर का जो टेस्ट है, एक साल हो गया है, बट आई एम स्टिल मिसिंग द टेस्ट ऑफ दैट बियर। कोशिश रहेगी अगर मैं कभी ऑस्ट्रेलिया गया, या कभी कोई ऑस्ट्रेलिया से आए तो मेरे लिए वो बियर ले आए, एंड आई विल डू अ फुल ऑन रिव्यू फॉर यू, बट आई हैव टेस्टेड इन एंड गिवन माई लाइव रिव्यू। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरी लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं, जनवरी 2020 में करी थी मैंने। एंड माई चॉइस फॉर माई फेवरेट लाइट बियर ऑफ द ईयर इज कूपर्स XPA, Cooper's XPA. I loved the taste of that beer. Again, I hope ki Cooper's XPA India mein available ho jaldi. Cooper's ki aur beer aati hai India mein. I hope ki XPA bhi launch karenge apni jaldi. I wish I could taste it again. Uske baad bari aati hai your favorite whiskey under rupees 2500. Kaun si whiskey आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई इस सेगमेंट में? इस सेगमेंट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं लोगों के पास, बजट ब्लेंडेड स्कॉच विस्कीज़, कुछ इंडियन विस्कीज़ भी हैं, देर आर सम विस्कीज़ लाइक बर्बन विस्कीज़ लाइक जिम बीम, देर आर सम आयरिश विस्कीज़ लाइक जेमिसन, तो काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप लोगों के पास। आप लोगों ने किसको चुना है? आप लोगों की चॉइस थी इन बजट विस्की। आई थिंक अनाउंस करने से पहले मैं आई वुड लाइक टू गिव अ स्पेशल मेंशन टू ब्लैक एंड वाइट विस्की विच वॉज द क्लोज सेकेंड। काफ़ी क्लोज कॉम्पिटिशन था दो विस्कीज़ के बीच में, और ब्लैक एंड वाइट वॉज सेकेंड, एंड आई वॉज बिट सरप्राइज क्योंकि ब्लैक एंड वाइट को हम इतने ऊपर नहीं देखते हैं जब हम बात करते हैं रैंकिंग ऑफ फेवरेट बजट स्कॉच विस्कीज़ या बजट विस्कीज़ अंडर दिस प्राइस सेगमेंट, बट यू गाइज वोटेड फॉर इट। बट जो विनर है इस साल का, द बेस्ट बजट ब्लेंडेड विस्की और यू नो विस्की अंडर 2500 इज टीचर्स हाईलैंड क्रीम। यस, टीचर्स हाईलैंड क्रीम को आप लोगों ने चुना है इस साल की फेवरेट बजट विस्की।
और अगर मैं बात करूँ अपनी, अगेन बहुत सारे ऑप्शंस थे इस साल, काफ़ी ऑप्शंस मैंने ट्राई करे, आप लोगों के लिए रिव्यू भी करे, एंड आई हैव टू से कि बहुत आई वॉज अ बिट ओवरवेल्म विद द ऑप्शंस दैट यू नो वी हैड, एंड आई हैव ऑल्सो पिक्ड अप टू विस्कीज, दो विस्कीज मैंने चूज़ करी हैं विच आई फील आर विस्कीज यू मस्ट ट्राई, और आई वुड नॉट से कि दोनों विस्कीज नंबर सेकेंड या फर्स्ट है, आई विल गिव इट, मेक इट अ टाई, तो आप लोगों के लिए भी ज़्यादा ऑप्शन हैं. फॉर मी द टू विस्कीज विच आर द विनर्स ऑफ माई चॉइस विस्कीज अंडर 2500 आर जॉनी वॉकर रेड राय फिनिश एंड वुडबर्न्स. आई थिंक दो ऐसी विस्कीज हैं जो काफ़ी अलग एक दूसरे से, एक इंडियन विस्की है और एक स्कॉच विस्की है. रेड राय से जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी थोड़ी कम थी, बिकॉज पर्सनली आई डोंट लव रेड लेबल, आई थिंक इट्स एन ओके विस्की, बट आई वॉज ब्लोन अवे बाय रेड राय, और उसके बाद मैंने जितनी बार उसे ट्राई करा है आई केप्ट एन्जॉइंग इट मोर एंड मोर. इट हैड द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्कॉच एंड विद अ हिंट ऑफ राय बर्बन. अगर आपने ट्राई नहीं करी है आप ट्राई करिए, जस्ट बिकॉज यू गेटिंग टू टेस्ट समथिंग एब्सोल्युटली न्यू इन अ वेरी गुड बजट. और वहीं अगर मैं बात करूँ वुडबर्न्स विस्की की, अगेन वुडबर्न्स वॉज अ विस्की जो शायद वॉज नॉट वेरी माइंड ब्लोइंग, ऐसा कुछ नहीं था उस विस्की में कि बहुत ज़्यादा मैं ब्लोन अवे हो गया था, बट आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट द विस्की दैट इट केप्ट इट सेल्फ टू द रूट्स, और जो रूट्स हैं, जो बेसिक्स हैं उस विस्की के, वो बहुत अच्छे से उन्होंने अप्लाई करे हैं. इट हैज़ द परफेक्ट टेस्ट, द परफेक्ट बैलेंस, एंड इट मेक्स फॉर अ ग्रेट विस्की अंडर 2500. तो अगर आपको मौका मिलता है वुडबर्न्स ट्राई करने का, देन डेफिनेटली डू गिव इट अ ट्राई. दिल्ली में तो बहुत सर्दी है यार, पता नहीं आप जहाँ रहते हैं वहाँ का मौसम कैसा है, मुझे बताइए कमेंट्स में. बट चलिए, अच्छी बात यह दिल्ली वालों के लिए कि सर्दी के मौसम में रम पीने का बड़ा मज़ा आता है, लेकिन आप लोगों को कौन सी रम पीने में मज़ा आता है ये आप लोगों ने डिसाइड करना था, एंड यू गाइज डिसाइडेड. कौन सी रम आप लोगों की फेवरेट है? यू गाइज वोटेड फॉर अ लॉट ऑफ रम्स, बट आई थिंक ये रम थी जिसने सबको पीछे छोड़ दिया, और कौन सी रम थी वो हमें बताएंगे हमारे चैनल मेंबर विवेक जी. गुड इवनिंग गाइज, दिस इज विवेक एंड आई एम हियर टू अनाउंस एम्बीज मैन केव रम ऑफ द ईयर अवार्ड व्यूअर्स चॉइस. सो आई थिंक यू मस्ट हैव गेस्ड इट. इज इट अ ओल्ड और इज इट अ न्यू? इज इट अ कैप्टन और इज इट अ सर्जेंट? एनीबडीज गेस? यस, यू मस्ट हैव गेस्ड इट राइट. द ओल्ड इज ऑलवेज द गोल्ड. So, viewers award goes for the rum of the year is Old Monk. Thank you very much. Wishing you a very happy new year. Don't drink and drive. Thank you very much. Thank you, Vivek ji. और अगर मैं अपनी बात करूं, I feel again कि बहुत सारी rums हैं जिनका मैं review कर चुका हूं इस साल. Of course, रम डायरीज अभी चल रही है, बट रम डायरीज इस साल की स्टार्टिंग में भी चल रही थी. दैट वाज द फर्स्ट सीजन ऑफ रम डायरीज, जिसमें मैंने काफ़ी रम के रिव्यूज़ करे थे, एंड देर वाज वन रम विच कम्प्लीटली सरप्राइज्ड मी, जिससे मेरी एक्सपेक्टेशंस कम थी, बट इट डेफिनेटली सरपास्ड माय एक्सपेक्टेशंस, एंड आई फील इट इज़ अ वेरी अंडररेटेड रम, एंड फॉर मी इट इज़ माय रम ऑफ द ईयर, एंड दैट इज Imperial Red Rum. जी हाँ, Imperial Red Rum is my rum of the year, and I feel कि एक ऐसी रम है जो काफ़ी underrated है. It has a great balance of sweet and spiciness. अगर आपने try नहीं करी है then definitely do give it a try. I think it is definitely worth trying out. एक बार फिर हम आ गए हैं whiskey की category में, और हम बात करेंगे best whiskey under ₹5,000, the premium whiskies. There are some single malts under this category, there are some blended whiskies in this category, but aap logon ko kaun si whisky sabse zyada pasand aayi premium category mein, hame batayenge hamare channel member Anant. Viewer's choice whisky under 5000, Monkey Shoulder. Somewhere I think I have to agree with this choice. Monkey Shoulder ek aisi whisky rahi hai jo
हमेशा से मेरी फेवरेट रही है एंड आई हैव डेफिनेटली एंजॉयड ड्रिंकिंग इट इन 2020 एज वेल. मेरा मन है कि मैं 2021 में मंकी शोल्डर को दोबारा रीविजिट करूं, बिकॉज दिस इज़ वन विस्की विच टेस्ट बेटर एवरी टाइम यू ड्रिंक इट. सो आई विल हैव टू अग्री विद इट. माय चॉइस इज आल्सो मंकी शोल्डर, द विस्की दैट आई एम ड्रिंकिंग राइट नाउ. चीयर्स एवरीवन. चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट कैटेगरी में. एंड नाउ अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट वॉडका. जी हाँ, हमने बात करी थी बजट वॉडका की, बट अगर हम बात करते हैं प्रीमियम वॉडकास की, तो प्रीमियम वॉडकास में कौन सी वॉडका आप लोगों की फेवरेट रही? अगेन प्रीमियम वॉडका एक ऐसी मार्केट है जो जिसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं आप लोगों के लिए. देर आर वॉडकास लाइक एब्सोल्यूट, ग्रे गूस, शिरॉक, बेल्वेडेयर. ऑप्शंस की कमी नहीं है आप लोगों के लिए, बट कौन सी ऐसी वॉडका है जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई, हमें बताएंगे हमारे चैनल मेंबर रवीन जी. हाय, व्हेन इट कम्स टू द वोडकास देयर आर मेनी, बट नाउ देयर इज वन वोडका व्हिच हैव मेड द एंट्री इन द इंडियन मार्केट एंड यस व्हाट यू आर थिंकिंग इज दैट ओनली द प्रीमियम व्यूअर्स चॉइस वोडका अबाउट दोस टू स्मोक वोडका. चीयर्स. थैंक्स. Thank you so much, Raveen ji, and I will have to agree that smoke vodka is indeed very good. और थोड़ा surprised हूँ मैं आप लोगों का choice सुनके, because I did not expect कि आप smoke vodka को इतने अच्छे, इतने सारे votes देंगे. I think vocal for local हर जगह छाया हुआ है और छाना भी चाहिए. I think that smoke vodka is pretty good. और अगर मैं अपनी choice की बात करूँ, I will have to agree with you guys that smoke vodka is probably the best vodka in that price segment, in that budget. But I will choose smoke aniseed vodka because I absolutely loved the flavor. मुझे उस vodka ने मेरे honeymoon की जो यादें थी, जो Greece की यादें थी, वो ताज़ा कर दी. I loved the flavor of smoke aniseed and that is my choice for the best प्रीमियम वॉडका ऑफ द ईयर. चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी में, और अब हम आ गए हैं विस्की में, द बेस्ट सिंगल मॉल्ट ऑफ द ईयर. कौन सी सिंगल मॉल्ट आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई? अगेन सिंगल मॉल्ट जो विस्की पीने वाले लोग हैं उनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं लोगों के पास. देर आर सम बिगिनर सिंगल मॉल्ट विस्कीज, देर आर स्मोकी सिंगल मॉल्ट विस्कीज, देर आर 18 years old, 21 years old single malt whiskies. There is no restriction on price. आप 3-4 हज़ार से शुरू करके 20,000, 25,000, 1,00,000 रुपये तक स्पेंड कर सकते हैं एक बॉटल के लिए. लेकिन कौन सी ऐसी सिंगल मॉल्ट थी जिसे आप लोगों ने पसंद किया, जिसे आप लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट किया, हमें बताएंगे हमारे चैनल मेंबर कपिल जी. व्यूअर्स चॉइस फेवरेट सिंगल मॉल्ट इज ग्लेनलिवेट 12 Double Oak. जी हाँ, ग्लेनलिवेट 12 Double Oak आई थिंक एक बहुत ही अंडररेटेड विस्की है, बट शायद नहीं है बिकॉज आप लोगों ने इतने सारे वोट दिए हैं उसे. आई वॉज सरप्राइज्ड कि इतने लोगों को ग्लेनलिवेट 12 Double Oak इतनी पसंद है. आई डेफिनेटली एन्जॉय इट. आई थिंक इट हैज़ ग्रेट टेस्ट. इट इज़ अ ग्रेट विस्की. और अगर मैं अपनी बात करूँ, आई विल प्रॉब्ली गो इन अ डिफरेंट रूट. बहुत सारे ऑप्शंस अगेन मेरे पास भी है बिकॉज काफ़ी सिंगल मॉल्ट्स के रिव्यू मैंने करे लास्ट ईयर, एंड देर इज़ वन विस्की विच आई फील इज़ प्रॉब्ली माई फेवरेट विस्की. जब मैं खुश होता हूँ तब मैं वो विस्की को पीता हूँ, जब मैं दुखी होता हूँ तब भी एक पैक पी लेते हैं. माई फेवरेट सिंगल मॉल्ट विस्की ऑफ द ईयर 2020 इज़ टैलिस्कर 10. आई थिंक एक बहुत ही अमेजिंग विस्की है. हर बार जब मैं उस विस्की को पीता हूँ, आई एम अमेज्ड बाय द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टेस्ट. अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्वीटनेस, स्पाइसीनेस, स्मोकीनेस एंड दैट आइलैंड टेस्ट ऑफ एन आइलैंड. आई एब्सोल्युटली लव द विस्की. आई डोंट थिंक कि कोई और ऐसी विस्की है जो टैलिस्कर 10 का जो टेस्ट है उसको रिप्लेस कर सकती है. चलिए अब आते हैं हमारे सेकंड लास्ट अवार्ड पर. विच वॉज योर फेवरेट
स्ट्रॉन्ग बियर ऑफ द ईयर, कौन सी स्ट्रॉन्ग बियर आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई? हमारे सख्त लौंडे जो इस चैनल पे है जिनको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग बियर ही पसंद आती है, कौन सी थी आप लोगों की फेवरेट? अगेन द कॉम्पिटिशन वॉज वेरी वेरी टाइट, देवर टू बियर्स जो काफ़ी क्लोज थी रेस में, जो बियर सेकेंड पर आई जिसे मैं एक स्पेशल मैंशन देना चाहूँगा, दैट वॉज बडवाइजर मैगनम, जिसका मैंने रिव्यू किया था इस साल, मुझे ऑनेस्टली काफ़ी पसंद आई, आप लोगों को भी काफ़ी पसंद है, दैट्स वाई यू वोटेड एज बडवाइजर मैगनम एज द सेकेंड फेवरेट विस्की, फेवरेट बियर आई मीन। बट कौन सी बियर थी आप लोगों की फेवरेट, ये हमें बताएंगे हमारे चैनल मेंबर अक्षय जी। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। द व्यूअर्स चॉइस फेवरेट स्ट्रॉन्ग बियर गोज टू बेक्स आइस। यस, बेक्स आइस वाज द फेवरेट ऑफ ऑल यू गाइस। मुझे काफ़ी लोग कहते थे कि बेक्स आइस का रिव्यू करो, बेक्स आइस का रिव्यू करो, और मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया बेक्स आइस का रिव्यू करने में, बट आई थिंक नाउ आई नो कि आप लोगों को क्यों बेक्स आइस इतनी पसंद थी, बिकॉज आई टेस्टेड बेक्स आइस एंड आई वॉज अमेज्ड दैट रिच मॉल्टीनेस वॉज समथिंग टू टेस्ट। आई लव द टेस्ट ऑफ बेक्स आइस, स्पेशली अगर मैं बात करूँ उस प्राइस रेंज में, आई डोंट थिंक कि कोई ऑप्शन इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं। सो I will have to agree with you guys that Beck's Ice beer is my favorite strong beer of 2020 as well. So, चलिए अब आते हैं अपनी last category पे, the best overall whiskey of the year. और इस जो category में जो criteria है सिर्फ voting का नहीं है, बल्कि overall कौन सी whiskey के बारे में सबसे ज़्यादा आप लोगों ने बातें करी comment section में, कौन सी विस्की के वीडियो में सबसे ज़्यादा आप लोगों ने लाइक्स छोड़े, सबसे ज़्यादा देखा उस विस्की के वीडियो को, काफ़ी सारे क्राइटेरिया है, एंड देर वॉज वन विस्की विच यू गाइज हैव वोटेड, विच यू गाइज शोड द मोस्ट इंटरेस्ट, एंड कौन सी विस्की थी वो हमें बताएंगे हमारे चैनल मेंबर केतन जी। द व्यूअर्स चॉइस विस्की अवार्ड गोज टू मैकिंटोश। यस, अमृत मैकिंटोश, सबसे ज़्यादा बातें हुई इस विस्की के बारे में, सबसे ज़्यादा लोगों ने यस अमृत मैकिंटोश, काफ़ी लोगों ने वोट किया इस विस्की को, और काफ़ी बातें भी हुई हैं इस विस्की के बारे में, आई थिंक इट फुली डिजर्व्स द ऑनर। बहुत ही अमेजिंग विस्की है, बहुत ही अच्छे प्राइस बजट में आती है, आई डेफिनेटली थिंक दैट अमृत मैकिंटोश डिजर्व्स द ऑनर। चीयर्स टू अमृत मैकिंटोश। और अगर मैं बात करूं अपनी चॉइस की, फॉर मी अगेन चॉइसेस बहुत हैं, और अगर हम बात करते हैं बेस्ट ओवरऑल विस्की की, तो प्राइस रेंज की कोई कमी नहीं है, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस विस्की, अगर हम बात करें विस्की वर्ल्ड में, बहुत सारी विस्कीज के रिव्यू भी मैं कर चुका हूं जो बहुत ही अमेजिंग लगी मुझे, बट अगर हम बात करते हैं बेस्ट विस्की ऑफ द ईयर की, तो एक ऐसी विस्की को चूज़ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, सिर्फ ऐसी विस्की नहीं होनी चाहिए जो बेस्ट टेस्टिंग विस्की है, इट्स द विस्की विच यू हैव एन्जॉयड द मोस्ट, विच इज़ ऑल्सो चीप इनफ कि आप उसे अपने डेली ड्रिंकर बना सकते हैं, अगर आप रोज़ एक पैक पीना चाहते हैं देन यू कैन अफोर्ड। अगर मैं ब्लू लेवल को अपनी विस्की ऑफ द ईयर बनाऊँगा, दैट इज़ ओके, आई मीन इट टेस्ट रियली गुड, बट इट्स नॉट अ विस्की विच यू कैन हैव you know once a day or once a week. For me there was one whiskey jo kafi close rahi mujhse is saal, especially during the lockdown period, mere paas do teen bottles padi thi us whiskey ki, and I really really enjoyed that whiskey. I think us dauran maine kafi appreciate kiya us whiskey ko, aur even after lockdown I whenever I wanted I got a bottle of that whiskey and enjoyed it. And it is an Indian whiskey as well. My favorite whiskey of the year 2020 is Amrut Amalgam. जी हाँ, Amrut Amalgam, जिसका मैंने review इस साल किया था, और इस साल first time try भी किया उसे मैंने. I really enjoyed it. I really loved it. और अगर अभी तक आप लोगों ने try नहीं करी है तो ज़रूर try करना. अभी मैंने कुछ time पहले बोला था कि कोई ऐसी whiskey नहीं है जो Talisker 10 को replace कर सकती है, but
if there was one whiskey which got very, very close, then that was Amrut Amalgam. It tastes absolutely amazing and I'm proud to say ki ek Indian whiskey hai. To agar aapko mauka milta hai, definitely use it, try kariye. It has amazing taste and it comes in a relatively budget price. And I feel it's a must try. So, दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को वीडियो बताइए मुझे कमेंट्स में. हमारा बेस्ट ऑफ 2020, आप लोगों की चॉइस, मेरी चॉइस, फाइनली इट्स आउट नाउ. और कल से नया साल शुरू हो जाएगा. लेट्स हैव सम गुड रेजोल्यूशंस. आई विल हैव सम रेजोल्यूशंस फॉर यू गाइज एज वेल एंड आई विल प्रोमिस यू कि अमेजिंग कंटेंट आता रहेगा आप लोगों के लिए. तब तक लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए. हैप्पी न्यू ईयर और पियो पैचो पियो.